वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। गणेश जी को भी इसीलिए याद किया कि इनको भी जो है बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है, इसलिए मेरी तो हमेशा ही सारे देवताओं से प्रार्थना रहती है कि हमारी सरकार को जो है बुद्धिमताम वरिष्ठम बनाइए, जनता की जो है समस्या सुलझाए। क्यों भक्तो, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को, मैं सारे भक्तों के खिलाफ नहीं हूं, कुछ भक्त बेचारे अच्छे भी है, अच्छे है, वो दबे कुचले हैं जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं मोदी जी के खिलाफ भी नहीं हूं, समझो, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हूं, उनकी गलत हरकतों की वजह से जो है मैं उनके खिलाफ हूं। देश में जो बर्बादी हो रही है ना उनके कारण, मैं उसके खिलाफ हूं। और जो गंदी गालियां देते हैं गोबर, उनके लिए जो मैं रौद्र रूप अपनाती हूँ वो उनके लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है। डरना मत, ए गोबर निकल गटर से बाहर, काहे अंदर घुस गया? अरे मुंह, इसका मुंह धुलाओ, ए सैनिटाइज करो इसको, मुंह निकाल अपना गटर से बाहर, छी गंदा बस्सा रहा है। रुक, क्या जी पनौती का पूत, बहुत गालियां दे रहे हो, सपने में काजल निषाद आती है क्या भाला लेकर? अरे मिल गए ना किसी दिन तो वही भाला घोप देंगे तुम्हारी छाती में और फिर कहेंगे अब बोल बेटा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, तब बताना हमको कैसा लग रहा है, कहां पर हो कि नहीं। अरे बाप रे बाप, बहुत गालियां देते हो और तुमको कहां लग रहा है आईटी सेल वालों, हमारा मनोबल गिरा दोगे, हमारी आवाज जो भारत के लिए बुलंद है उसको गिरा दोगे? अरे हट, कौन हो तुम, कौन हो? और कुछ लोग मुझे कहते हैं भाषा पर कंट्रोल करो मैडम, अच्छा अच्छा जी, महिलाओं को गाली देंगे उनको कुछ नहीं कहोगे, वो भाषा पर कंट्रोल ना करें, लेकिन महिला बिचारी मार खाती रहे, दबती रहे, गालियां खाती रहे और चुप रहे बिल्कुल भाषा पर कंट्रोल करके, हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप बाबू जी, नमस्कार भैया, गाली देते हो, नमस्कार भैया, गलती हो गई, ऐसे कहेंगी क्या? रे हट, कहां से आते हो तुम लोग, चलो जाओ, तुम लोग का लंच का समय हो गया, जाओ गटर में गिर जाओ जल्दी। बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी को जो है चीन पर बोलना था और चना खिलाकर चले गए भारतवासियों को, अरे कहां गई वो बुलंद आवाज, हमको जो है चून कर भेजा है, हम अगर चून कर आएंगे तो दाम कम करेंगे, 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐ गटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और गटर चिल्लाया ये हो जाएगी, हो जाएगी मोदी मोदी, और फिर मोदी जी बोले देख रहे हो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, और सब बोले वाह मोदी मोदी। अरे हम तो कहते हैं पेट्रोल पंप पर एक तख्ती लगा दो और कह दो आम जनता के लिए 80 रुपए और जो मोदी भक्त है उसके लिए 180 रुपए, फिर देखो देखो फिर भक्ति कैसे झर जाती है, सब नशा उतर जाएगा, नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, जिता लो, अब खा रहे हो ना बेटा नून रोटी, अब
क्या बोल रहे हो, वही खा रहे हो गोबर अभी तक? अरे हाँ 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 खाओगे, तुम्हारी साध्वी जी बोली थी रोटी पर बटर की तरह गोबर लगा के खाओ, वही खा रहे हो अभी तक। तुम्हारी तरक्की नहीं हो सकती, तुम्हारी कुछ तरक्की नहीं हो सकती, तुम लोग खुद जो है गंदगी फैला रहे हो, तुम्हारी वजह से जो है मोदी जी गालियां खा रहे हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से। ठीक, मुझे देख लो, इतना अच्छे से बोलती थी, किसी को पचा नहीं, और तब कोई मैसेज भी नहीं आया। मैडम आप कितने अच्छे से बोलती हो, और जब आवाज उठाई एक भारत की नारी ने, तब शालीनता सिखाओगे हैं? चल तुमको क्या लगता है, तुम्हारी बातें सुन लूंगी मैं? गलत फहमी में मत रहना बेटा, अभी भी बेलन वही है। ठीक, दर्द तो हो रहा होगा, अरे होता है होता है बेटा, क्या है थोड़ा दर्द तो होता है, होगा होगा, और फिर तो आदत पड़ जाएगी ना। हाँ तुम लोग मोदी भक्त अपने आप को कहते हो, तुम खुद मोदी जी का नहीं सुनते हो। कितने लोग जो है मोदी मोदी करते हैं और मोदी जी का सुनते नहीं है, मोदी जी की ही बात नहीं सुनते हैं। तुम कहोगे कैसे, क्यों? मोदी जी जो है वो योगा दिवस के बारे में कितनी बातें करते हैं, योगा करो स्वस्थ रहो फिट रहो, क्यों? तुम्हारी अम्मा को देखा है? स्मृति ईरानी को देखा है? अरे पृथ्वी का जितना घेराव है उनसे ज्यादा घेराव तो उनकी कमर का है, योगा करेंगे वो, रुक जाता है वीडियो कॉल आ जाता है, योगा करेंगी, सिर्फ योगा दिवस पे ही योगा करेंगी मैडम। ऐसे चद्दर बिछा के जो है राफेल विमान, चद्दर बिछा के राफेल विमान बनेंगी आप, चीन पर हमला करेंगी क्या? क्या दिखावा करते रहते हो आप लोग, मोदी जी की ये बात सुन लीजिए आप लोग, पार्टी में एकता है नहीं। एकता कपूर की सीरियल करेंगी, भारत में एकता की बात नहीं करेगी, एकता तोड़ने की बात करेंगी आप। हाँ आप लोग कभी ख्वाजा जी को, कभी तबलीकी जमात, कभी ये हिंदुओं के देवताओं के नेता बना, ये धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे आप लोग। और आपको क्या लगता है जनता माफ कर देगी? देख रहे हो कैसे अर्थी बनाई है सब लोगों ने, पूजा पाठ चालू हो गई है, अब उनको तो हम जानते भी नहीं है, बताओ, वो तो भारत की जनता है। और तुम लोग को लगता है काजल बहुत विरोध करती है, अरे तुम्हारा विरोध नहीं करती हूँ, तुम्हारी गलत नीतियां जो है ना भारत के लिए, उसका विरोध करती हूँ। सोचो समझो, पढ़े लिखो गोबर, और तुम्हारा जो प्रतीक है कमल, जो कीचड़ से निकलता है, जो कुछ सुअर जो कीचड़ में रहते हैं वो निकालते हैं कमल को, वो कमल जो है ना वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो है लक्ष्मी का प्रतीक। बदनाम कर दिया तुमने कमल को, अब फिर से कीचड़ में दबता जा रहा है कमल, मुरझा गया है, दब रहा है कमल, कह रहा है अरे स्मृति मैडम उतरिए, बहुत ज्यादा वजन हो गया आपका, दब जाएंगे हम। अपनी पार्टी को बदनाम कर दिया, आपकी पार्टी बुरी नहीं थी, बहुत ऊंची थी, अटल जी का मान सम्मान करती हूँ मैं भाई, करती हूँ, अटल जी बहुत ही अच्छे नेता थे, और मोदी जी का आपका भी मान सम्मान मैंने किया था, लेकिन अब आपकी हरकत देख लो, एक भी शब्द बोले आप चीन के बारे में, 20 बेटे खोए हमने, बेटा के बदले डाटा बदलोगे चीन का, कुछ ऐप बंद करके आप बदला लोगे शहीदों का, अपमान करते हो, इसीलिए मैं तुम लोग के खिलाफ। और बेटा ये आवाज दबने वाली नहीं है, बढ़ेगी, ठीक। और हाँ कुछ लोगों को मैं बता दूं, उनके लिए गिफ्ट लेके आई हूं आज, जो बहुत ही गंदी गाली देते हैं उनके लिए, चिंता मत करो बेटा, तुमको बहुत जल्दी कॉल आने वाला है, साइबर क्राइम में जो है
तुम्हारा सारा लेखा जोखा दे दिया हमने, स्क्रीनशॉट खींच के अच्छे से नाम देकर, अच्छा सा तुम्हारा आईडी देकर, फोन नंबर सारे उपलब्ध करवा के, बहुत जल्दी तुमको फोन आएगा बेटा, ठीक? तब गटर से बाहर निकल जाना, कोई भी गटर में मत जाना, ठीक? और दो गाली, और गाली दो, असलियत में मिल गए ना तब भाला घुसार देंगे अच्छा सा। चतुत्तवी कलचल प्रवाह पावितस्तले कलेवलं विलंबितं भुजंग तुंग मालिका दमत 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 दमन्य